News 18, India. उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है जिसमें 15 लोगों के मौत की खबर मिल रही है जबकि 30 लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली के सड़क किनारे तालाब में पलटने से बड़ा हादसा हुआ। ये घटना कासगंज के कोतवाली पटियाली इलाके के दरियागंज की बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जाहिर किया और मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा कर दी है। अमित ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, कैसे हुआ ये हादसा? देखिए, इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी आदेश दिया है कि सभी घायलों को शीघ्र उनको नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जाए और उनका मुफ्त में इलाज कराया जाए। दरअसल गंगा स्नान करने के लिए स्नानार्थी जो है वो जा रहे थे ट्रैक्टर ट्रॉली से, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और अनियंत्रित होकर पास के तालाब में गिर गई, जिसमें बताया जा रहा है कि कई लोग जो है वो घायल बताया जा रहा है। 7 बच्चे समेत 8 महिलाओं की दर्दनाक मौत इसमें बताई जा रही है। दरअसल माघ मेले में माघ पूर्णिमा से स्नान करने के लिए ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे स्नान करने के लिए, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अनियंत्रित हो गया। अमित, क्या ये उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे या कहीं बाहर से यहाँ आए थे, और जो घायल हुए हैं उनकी स्थिति कैसी है उसको लेकर भी अगर आपके पास कोई जानकारी हो? देखिए, ये सभी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, कासगंज जिले के कोतवाली पटियाला क्षेत्र के दरियागंज के पास गढ़ी गांव में ये हादसा हुआ है। जाहिर तौर पर उसके आसपास के ही सभी जो श्रद्धालु हैं सभी आसपास के ही हैं। जो घायल हैं उनमें से 4 को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है, बाकी का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। 15 की मरने की सूचना अभी तक है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिया है। मुख्यमंत्री ने शोक जताया है इस पूरे मामले पर और घायलों के इलाज के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि पास के अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज कराया जाए। ये श्रद्धालु जो हैं, ठीक है अमित, बहुत दुखद हादसा हुआ है, 15 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 30 जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।